का भाव चल रहा है 69 रुपीज 25 पैसा। स्टॉक का नाम है जीएमडीसी लिमिटेड, जीएमडीसी। इस स्टॉक के अंदर आफ्टर ए करेक्शन आज पहला दिन है जब एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जीएमडीसी में यहां से बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। इसके अंदर ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा 75 रुपए का बनेगा और 75 रुपए का लेवल भी इस बार टूटना चाहिए और 80 रुपए तक के लेवल जीएमडीसी में देखने को मिलने चाहिए। ये स्टॉक हमने पहले भी रेकमेंड किया हुआ है, 50 रुपए के लेवल से हम मोस्टली रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं। स्टॉक में करेक्शन के बाद अब एक मूव का शुरुआत हुआ है तो खरीदारी करें जीएमडीसी में। यहाँ पे सीएमबी पे नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 65 रुपए 50 पैसे का, यानी 65 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। एक हफ्ते का व्यू रखें, 75 रुपए से लेके 80 रुपए तक का मूव जीएमडीसी के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके लिए खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा जीएमडीसी के अंदर। स्टॉक जिसने बहुत बड़ा दो ढाई महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे रहा है, ट्रायंगुलर पैटर्न, हॉरिजॉन्टल ट्रायंगुलर पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। अनिल जी, इसका मेरा आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है मंथली। मेरा मानना है कि जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक में देखने को मिल जानी चाहिए, मुझे लगता है ऑन द आउटर साइड आपको 760 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। इतने बड़े टारगेट्स के लिए बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करें। आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है 732, ये सारे अगस्त सीरीज की बात कर रहा हूं, तो 760 के टारगेट्स आपको पहले देखने को मिल जाने चाहिए और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 732। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बेहतरीन है, ये बिल्कुल बाय करके चलने की सलाह है।